सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक वर्ष होने वाले उद्यानोत्सव का शुभारंभ किया। हमारे आज के डीएनएस में हम राष्ट्रपति भवन के इस विशेष उत्सव पर चर्चा करेंगे। दरअसल उद्यानोत्सव राष्ट्रपति भवन में हर साल फरवरी से मार्च के बीच होने वाला एक विशेष प्रकार का त्योहार होता है। इस उत्सव में राष्ट्रपति भवन के फूलों के बगीचे को आम जनता के लिए खोला जाता है। इस बगीचे को मुगल गार्डन कहा जाता है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में 15 एकड़ की जगह में फैला एक ऐसा बगीचा है जिसमें विभिन्न किस्मों के फूलों की प्रजातियां लगाई जाती हैं। इस बगीचे की खास बात यह है कि इसमें मुगल व अंग्रेजी शैली के मिश्रण की खास झलक देखने को मिलती है। सर एडवर्ड लुटियंस ने इस बगीचे को फारसी चारबाग शैली में बनाया था, जिसमें झरने, छोटी नहरें व वर्गाकार व आयताकार बगीचे विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस बगीचे में हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन, मुख्य मुगल गार्डन तथा स्पिरिचुअल गार्डन आदि मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। आइए अब नजर डालते हैं इस बगीचे की चारबाग शैली पर। दरअसल चारबाग कुरान में वर्णित इस्लामिक संस्कृति का स्वर्ग यानी जन्नत में स्थित एक बगीचा होता है। यह बगीचा आयताकार आकृति में होता है, जिसके बीच बीच में पैदल चलने के लिए पट्टियां बनी होती हैं तथा यह चारों ओर से दीवार द्वारा कैद होता है। इस शैली के बगीचे पश्चिम व दक्षिण एशिया के कई देशों में पाए जाते हैं, जैसे इराक, ईरान, भारत व पाकिस्तान आदि देश। अगर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखें तो तुगलकों व मुगलों ने इस शैली में कई बगीचे बनवाए थे। इनमें हुमायूं की कब्र व ताजमहल सबसे प्रसिद्ध चारबाग शैली के बगीचों के उदाहरण हैं। हुमायूं की कब्र भारत की पहली ऐसी कब्र थी जिसके चारों तरफ इस शैली का बगीचा बनवाया गया था। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त हुआ। इसके साथ ही पाकिस्तान में स्थित शालीमार बाग तथा जहांगीर की कब्र भी इस शैली के बेहतरीन उदाहरण हैं।